हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कलौंजी सॉफ्ट जेल कैप्सूल के बारे में बात करेंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल काम की नॉलेज। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में लगे नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। सिपजर कलौंजी ब्लैक सीड सॉफ्ट जेल कैप्सूल कलौंजी के बीज से बनाया जाता है। सिपजर कलौंजी ब्लैक सीड सॉफ्ट जेल कैप्सूल के अंदर सूजन रोधी गुण, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं और इसमें कई महत्वपूर्ण मिनरल्स भी पाए जाते हैं। सिपजर कलौंजी ब्लैक सीड सॉफ्ट जेल कैप्सूल शरीर की कई समस्याओं को दूर करने में बेहद उपयोगी हैं, जैसे कि बाल झड़ने की समस्या को दूर करता है और गठिया के दर्द को कम करने में भी बेहद उपयोगी होता है। जिन लोगों में गठिया की वजह से जोड़ों में दर्द होता है, तब उस दर्द को ठीक करने के लिए आप इस कैप्सूल का उपयोग कर सकते हैं। सिपजर कलौंजी ब्लैक सीड सॉफ्ट जेल कैप्सूल में ओलिक एसिड और लिनोलेनिक एसिड मौजूद होते हैं, जो हाई कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है। सिपजर कलौंजी ब्लैक सीड सॉफ्ट जेल कैप्सूल में आयरन, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम होता है और यह कैप्सूल अमीनो एसिड और प्रोटीन से भरपूर होता है। सिपजर कलौंजी ब्लैक सीड सॉफ्ट जेल कैप्सूल का इस्तेमाल दवाओं में सदियों से होता आ रहा है। सिपजर कलौंजी ब्लैक सीड सॉफ्ट जेल कैप्सूल में पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं, जो कैंसर जैसी बीमारी से सुरक्षा प्रदान करने में सहायता करते हैं। इस कैप्सूल का उपयोग करके आप कफ की समस्या को दूर कर सकते हैं, पेट में दर्द, गैस, सूजन, अल्सर, पेट में ऐंठन, पेट फूलना आदि परेशानियों को दूर करने के लिए भी आप इस कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। सिपजर कलौंजी ब्लैक सीड सॉफ्ट जेल कैप्सूल के सेवन से पेट की हर समस्या को दूर किया जा सकता है और स्किन से संबंधित बीमारियों को दूर करता है। सिपजर कलौंजी ब्लैक सीड सॉफ्ट जेल कैप्सूल बालों की जड़ों को स्वस्थ बनाने और बालों को झड़ने से रोकने के लिए बहुत ही उपयोगी कैप्सूल है। यह कैप्सूल बालों को झड़ने से रोकता है। इस कैप्सूल के अंदर एंटी फंगल, एंटी वायरल और एंटी बैक्टीरियल गुण मौजूद होते हैं। सिपजर कलौंजी ब्लैक सीड सॉफ्ट जेल कैप्सूल GMP और अन्य प्रमुख संस्थानों द्वारा प्रमाणित है। अब बात करते हैं इसका यूज करने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो इसे पूरी तरीके से आयुर्वेदिक इन्ग्रीडियंट से मिलाकर बनाया जाता है, इसलिए इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए नहीं मिलता है। अब बात करते हैं इस कैप्सूल की डोज किस तरीके से लेनी है। आप दो दो कैप्सूल सुबह, दोपहर, शाम खाना खाने के बाद यूज कर सकते हैं, या फिर आपके डॉक्टर ने जिस तरीके से आपको बताया है उस तरीके से आप इस कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस कैप्सूल को ख़रीदना कहाँ से है। इसे ख़रीदने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और किसी मेडिसिन से रिलेटिव आपका कोई सवाल है तब आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।